हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स एचडी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, 10 तारीख को और एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है शिव शास्त्री बलबुआ। बलबुआ के पूरे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, साथ में उसकी स्टोरी क्या है पूरी जानकारी गाइस देने वाले, इसके स्टार कितने उसको मिले हैं गाइस पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती रहेगी। गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे, शुरुआत में बता दूँ शिव शास्त्री बलबुआ यानी कि अनुपम खेर इसके कैरेक्टर है और नीना गुप्ता उनके साथ, सारिब हाशमी और जुगल हंसराज और नरगिस फाखरी यहाँ मस्त कैरेक्टर में हमको दिखने वाले हैं। गाइस यह जो मूवी है एक रिटायरमेंट लाइफ की जिंदगी जीने वाले शिव शास्त्री बलबुआ के कैरेक्टर पर निभाई है। यहाँ पे जो अनुपम खेर है उसने इस पर मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे रिटायरमेंट की लाइफ किस प्रकार जी जा सकती है, यानी कि रिटायरमेंट एक एंड नहीं है हमारी लाइफ का, वो एक शुरुआत के रूप में यहाँ दिखाई गई है। आमतौर पर हमारे समाज में यहाँ बुज़ुर्गों को लेकर यह सोच रहती है कि रिटायरमेंट के बाद घर पर ही तो एक कोने में बैठकर अपनी ज़िंदगी काट लेनी है, यानी कि ऐसा नहीं है। लेकिन गाइस देखा जाए तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो रिटायरमेंट के बाद ही आता है। रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम लगभग अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। शिव शास्त्री बलबुआ यह संदेश देना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के आपके जीवन का पूर्ण विराम नहीं लगा सकता। उम्र में किसी पड़ाव पर एक नई जिंदगी शुरुआत करने का यह अच्छा मौका है जिसको एडवेंचर भरी जिंदगी आप जी चाह सकते हैं। कैसे इसी प्रकार जो शिव शास्त्री बलबुआ है जो कि अनुपम खेर जो इसका मेन कैरेक्टर में इसे निभाया इन कैरेक्टर को, जो कि एक बैंक रिटायरमेंट लाइफ की जिंदगी जीते हैं, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद बैंक के एक ऑफिसर थे, वहाँ रिटायरमेंट होते और अमेरिका में अपने बेटे के पास रहकर गुजारना चाहते हैं, यानी कि बाकी जो ज़िंदगी है शिव शास्त्री बलबुआ अपनी ज़िंदगी जो है रिटायरमेंट की अपने बेटे के पास अमेरिका में गुजारना चाहते हैं, जहाँ की फिलाडेल्फिया में रॉकी स्पेस पर दौड़ते हुए वीडियो बनाना चाहते हैं। अमेरिका पहुँचने के बाद फिलाडेल्फिया उसके लिए जाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह शिव शास्त्री का जो बेटा है वो दौड़ भरी जिंदगी जी रहा है और उसे अपने पिताजी को यह सब करवा देना मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे मूवी थोड़ी स्टोरी यहाँ पे टर्न होती है। वहाँ पे उनका जो पड़ोसन है वहाँ पे उनको मिलती है जो कि नीना गुप्ता के नाम पे, जिसका नाम है आलसा, और आलसा वहाँ पे आई है जो कि वो वहाँ पे इस काम के सिलसिले में आई थी करीबन 8 साल पहले और वो वहाँ पे ही काम कर रही है। लेकिन जो उसका मालिक है उनका पासपोर्ट जमा कर दिया है और उसके पासपोर्ट को वापस नहीं दे रहा, लेकिन आलसा जो है घर पर जाना चाहती है इंडिया वापस, लेकिन जा नहीं पा रही है। तो गाइस यहाँ पे जब अनुपम खेर ये बात सुनते हैं तो उनको लग रहा है कि यह उनको मदद करनी चाहिए, तो इसी प्रकार वह एक स्टंट करते हैं और इसी के प्रकार ये पूरी मूवी जो है इस कहानी है इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो गाइस यह मूवी अगर आपको देखनी है तो ऑलरेडी सिनेमाघरों में आ चुकी है। जो लोग रिटायरमेंट की लाइफ को बाद में बोरिंग हो जाते हैं, हम भी हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए यह जो मूवी है बहुत बेहतरीन एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं और एक अपनी लाइफ जो है मज़े वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा दें। इसके साथ स्टार की बात करें तो टोटल 5 में से 3 स्टार यहाँ पे मिलते हैं इस मूवी को, और अनुपम खेर और नीना गुप्ता की जो स्टोरी है इनकी जो एक्टिंग है बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।